सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका एक सुप्रा वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रा व्लॉगर के बारे में। क्या ये सोच रहे हो बार बार सुप्रा सुप्रा क्यों कर रहा हूँ? अरे वो आजकल यूके भाई के व्लॉग्स देख रहा हूँ ना, उसमें सुप्रा के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। मुझ पे यकीन नहीं आ रहा, खुद देख लो। सुप्रा 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 सुप्रा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका आरआर मतलब रुमाली रोस्टर। फाइनली हमारी थर्ड वीडियो आ ही गई। फाइनली आज हम बात करने वाले हैं यूके 07 राइडर के बारे में। फाइनली आइए इनका चैनल देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ इनका कंटेंट क्या है। इनका कंटेंट है कार की डिलीवरी ले ली, कार की डिलीवरी कैंसिल हो गई, कार क्रैश हो गई, बस्टेड, कार मॉडिफाई करा ली, घर वालों का रिएक्शन ले लिया कार पे, फाइनली पीयूष स्कूल चला गया। अरे ये तो सौरभ भाई का कंटेंट है, सॉरी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यूके भाई एक गाड़ी लेते हैं, हर कोई गाड़ी लेता है, नॉर्मल बात है, पर यूके भाई उस पे 2 से 3 महीने तक कंटेंट ही कंटेंट निकालते रहते हैं। अरे ठीक है, एक गाड़ी ले ली, एक बार दिखा दो, दो बार दिखा दो, लगे ही रहोगे। यूके भाई ने 2 महीने पहले एक सुप्रा नाम की सुपर कार लेने का फाइनल किया। सरप्राइज आप लोगों को पता है गाइस, सुपराइज कमिंग रटटटटा यूके 0FM 007 बाबू भैया का गाइस उत्तराखंड में, और ये नंबर मुझे अप्रोक्सिमेटली बड़ा है 6 लाख रुपए का। मीनवाइल आपके बाबू भैया आ रहे हैं आपके शहर सुपरा लेकर के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया था कि चलो ये गाड़ी ले लेते हैं। और अब तक उनके टाइटल में, उनके थंबनेल में सुपरा सुपरा सुपरा, ये गाड़ी लेंगे, उसकी 3 बार डिलीवरी कैंसिल करेंगे, 4 बार उसकी डिलीवरी लेंगे, और जब फाइनली इतने मशक्कत के बाद, इतनी मेहनत के बाद डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद वो करना शुरू कर देंगे उसका एक्सीडेंट, वो गाड़ी हो जाएगी क्रैश। हमारी गाड़ी क्रैश हो गई, हम अरेस्ट हो गए, और क्रैश भी तो बहुत भयंकर होता है, तुम देख के डर जाओगे। देखो शिट, बाय, भयंकर मेहनत मुझे दिखानी, मैंने मोड़ा भी। यूके भाई इतना गंदा क्रैश क्यों कर दिया? मैं तो मर जाता कोई मेरी गाड़ी इतनी गंदी क्रैश कर देता तो। ओ भाई ये कैसे ठीक होगी यार? देखा तुमने इनका क्रैश, ये होते हैं इनके क्रैश। और जब ये सब काम निमट जाए, फिर आती है गाड़ी मॉडिफाई कराने की बात। और ये गाड़ी मॉडिफाई करा के करा देते हैं ऐसे से ऐसी, एक और देखनी है, ऐसी से ऐसी, बिल्कुल अपने जैसी गाड़ी बना देते हैं, मतलब छपरी। और सिर्फ गाड़ी गाड़ी नहीं, बाइक्स भी छपरी करा देते हैं, खुद से भी तो मैच होनी चाहिए ना। देखो देखो, और अब एक बार तुम यूके 07 को भी देखो, ये हमारे यूके भाई। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? ऐसा नहीं लग रहा किसी ने हैंगर पे कपड़े टांग दिए। अरे यूके भाई इतना पैसा है, सुपर कार ले रहे हो, कुछ खा पी भी तो लो। हम थे गाड़ी मॉडिफाई पे, तो गाड़ी मॉडिफाई होती है, हर किसी का मॉडिफाइड गाड़ी पे रिएक्शन आता है। लेकिन तुम्हें पता है जनता ये सब देखने के बाद क्या सोचती है? जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। यूके भाई लोगों ने तुम्हें सब्सक्राइब किया था क्योंकि तुम एक मोटो व्लॉगर थे, मोटो व्लॉगर, जो व्लॉगर बाइक से बाहर ट्रिप करने जाता है, लोग बाग को देखना होता है कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं उन सब में, लोगों को मजा आता है वो चीज़ देखने में। पर तुमने वो चीज़ तो छोड़ ही दी, तुमने तो अपने चैनल को एक लाइफस्टाइल चैनल बना के छोड़ दिया है, जिसमें तुम साफ साफ ये कह रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं रोज नई गाड़ियाँ लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अजीब अंबानी मेरे लोड़े पे, जी हाँ दोस्तों। पर पता है इन सब चीजों से हमारी जो यूथ है, जो तुम्हें देखती है, जो तुम्हारी ऑडियंस है, वो डिप्रेस होती है। उन्हें लगता है ये बंदा इतनी पॉश लाइफस्टाइल जी रहा है, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, तो हम क्यों नहीं जी सकते? अरे लोगों को बताओ भी तो इन सब के लिए कितनी मेहनत लगती है,
तुम सिर्फ एक गाड़ी दिखा देते हो, उस गाड़ी में घूम के दिखा देते हो, इतना इजी नहीं होता ना सब। जनता तुम्हें भी पता है, इन ब्लॉगर्स का काम होता है कुछ टाइम के लिए गाड़ी लीज पे लेना, उस गाड़ी से कंटेंट निकालना 2-3 महीने तक, और फिर उसके बाद वो गाड़ी इनके ब्लॉग्स में दिखती भी नहीं। तुम खुद बताओ, चाहे कोई कितना ही अमीर आदमी हो, जब एक गाड़ी कोई लेगा इतनी महंगी तो उसे ब्लॉग्स में दिखाएगा तो बाद में भी? इनका काम है सिर्फ गाड़ी दिखाना, तुम्हें ये दिखाना कि मैं बहुत अमीर हूँ, पर रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ अलग होती है, हर कोई इस तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी सकता। तुम्हें जो लाइफ मिली है उसमें खुश रहो, और अगर उसे चेंज करनी है तो मेहनत करके करो, लोगों से इन्फ्लुएंस होके नहीं। सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ फेकनेस। सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो दिखाई जाती है वो असली नहीं होती, आधे से ज़्यादा चीज़ें फेक होती हैं। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। पेड़िया चल, हम भी कोई गाड़ी लेते हैं, हमारे पास भी तो कंटेंट ख़त्म हो रहा है।